एसएसपी मथुरा ने किया मिशन शक्ति अभियान की कार्यशाला का शुभारंभ। मंगलवार को जनपद मथुरा में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा द्वारा जनपद की छाता व महावन तहसील में मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत की गई। इसी क्रम में मंगलवार को छाता क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित केडी मेडिकल संस्थान के सभागार में महिलाओं की सुरक्षा पर आधारित मिशन शक्ति कार्यक्रम के अंतर्गत एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा डॉक्टर गौरव ग्रोवर रहे। कार्यक्रम की शुरुआत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने माँ सरस्वती के चित्रपट के सम्मुख दीप प्रज्वलन एवं पुष्प अर्चन कर की। कार्यक्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने मिशन शक्ति अभियान की विस्तृत जानकारी सभागार में उपस्थित सभी छात्राओं व महिलाओं को तथा लोगों को दी और इस अभियान की बारीकियों को समझाते हुए महिलाओं को उनके अधिकारों के लिए और सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर जागरूक किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने महिलाओं को उनके अधिकारों एवं कर्तव्यों की जानकारी देते हुए किसी प्रकार की आपात स्थिति में घटना घटित होने पर इसकी सूचना विभिन्न माध्यमों से देने की बात कही। ये वुमेन पावर लाइन का नंबर है, किसी भी हमारी माता बहन किसी को किसी समय भी 24 घंटे में कोई भी समस्या है, कोई व्यक्ति उनको परेशान करता है, उनके साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ करता है, फोन करके उनको बार बार परेशान कर रहा है, कोई ऐसे मैसेज व्हाट्सएप या किसी और माध्यम से उनको भेज रहा है, तो किसी भी समय पर 24 घंटे में आप 1090 पर कॉल कर सकते हैं। लखनऊ में इसका बहुत बड़ा कंट्रोल रूम बना हुआ है, जब आप फोन मिलाएंगे तो महिला कर्मी ही वहां पर आपका फोन उठाएंगी, आपकी पूरी बात सुनेंगी और तत्काल उसके ऊपर प्रभावी कार्रवाई कराना भी सुनिश्चित करेंगी। क्या सब देखिए, आज यहाँ पर महावन तहसील में तहसील दिवस का आयोजन किया गया था, उसी के चलते जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 17 तारीख से मिशन शक्ति का शुभारंभ पूरे प्रदेश में किया गया है, उसी के क्रम में आज जो हमारी यहाँ पर माताएं बहनें यहाँ पर आई थी, उनको उनके अधिकारों के बारे में, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था कैसे प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा की जा रही है उसके बारे में, और ऐसे हेल्पलाइन नंबर जहां पर वो 24 घंटे में किसी भी समय पर फ़ोन करके अपनी समस्या को, यदि उनको कोई परेशान करता है, कोई उनके प्रति अपराध कारित करता है, तत्काल पुलिस को प्रशासन को वो इन्फॉर्म कर सकती हैं और उनको इस चीज़ के लिए आश्वस्त किया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश पुलिस उनकी सुरक्षा के लिए हरदम तत्पर है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो हमारी माताओं बहनों के प्रति कोई अपराध कारित करता है, कोई उनके प्रति टिप्पणी करता है, सोशल मीडिया के माध्यम से उनको कोई ऐसा मैसेज भेजता है, तो उसके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी और कठोर रूप से उसको दंडित किया जाएगा। कब तक चलेगा सर ये अभियान? देखिए, ये अभियान जो है वो 17 तारीख से शुरू हुआ है, नवरात्रों में इसका शुभारंभ किया जा रहा है, आगे आने वाले 6 महीनों में लगातार इस अभियान के कई ऐसे रूप जो हैं, कई ऐसी योजनाएं हैं जो सामने आएंगी और आने वाले दिनों में हमारी माताएं बहनें और सुरक्षित और ज़्यादा सशक्त हो पाएं, इसके लिए अभियान जो है चलाया जाए।